हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कॉन्स्टेबल का है। 14 नवंबर को हुआ था, 12 से 1:30 बजे तक, मतलब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और इसमें हम जो सोल्व करेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, नहीं लॉजिक तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से आप पढ़ चुके हैं उस तुल्य में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। यहां से आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैल्यू निकालने। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब ये आपका क्यूब में दिखाई दे जाए, यहाँ पर क्यूब दिखाई दे जाए, यहाँ पर भी क्यूब दिखाई दे जाए, ठीक है, राइट। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, एक नंबर यहाँ से उठाना और एक नंबर यहाँ से उठाना, दोनों को प्लस कर देना, तो कितना आंसर आएगा आपका। सॉरी, दो दो जीरो हो रहे हैं ना, तीन तीन डेसिमल के बाद तीन देना, तो 0.09 तो आपका राइट आंसर। इतना काम करना, अगर माइनस हो तो माइनस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी सी कंप्लीट करते हैं किसी काम को इतने इतने दिन में, अगर वे मिलकर काम करे तो कितने दिन में होगा, ये आपसे पूछा है। तो ए बी सी 8, 10, 12, अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा इनका, 120, 120 हो जाएगा। तो 120 आठ पे कितने जाता, 15 8 120 होता, 10 का 12 हो जाएगा, 12 का 10 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 37 हो गया इधर से, ठीक है। तो वैसे आपने पूछ बताना कितने दिन में, तो 120 काम है, एफिशिएंसी इनकी 37 है, तो बस इससे कटेगा नहीं, आपका आंसर दे रखा है। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। तो भाई यहाँ एक क्वेश्चन है कि कॉपर स्फीयर का जो सॉलिड कॉपर स्फीयर है और डायमीटर 30 है, तो यहाँ से रेडियस जो आ जाएगी वो आपकी 15 आ जाएगी, आधी हो जाएगी, और यहाँ से वायर का डायमीटर है इतना, तो यहाँ से रेडियस स्मॉलेस्ट आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, ले तो वायर निकालना। तो आप एक चीज समझिए, स्फेयर क्या होता है, गोला होता है, मतलब इस गोले में से आपको वायर निकालनी है। वायर कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम में से हमने वॉल्यूम निकालना है, तो 15 रेडियस वाले स्फीयर में से कितने 5 रेडियस की आपकी लेंथ निकलेगी, आपसे पूछा है, मतलब आपने वॉल्यूम इक्वल करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ = और वो किस वायर वायर किस में हो जाएगी, सिलेंडर में हो जाएगी। सिलेंडर क्या होता है आपका, π r² आपने h निकालना, तो पाई से पाई कटा, तो सोल्व करिए, तो 4/3 × 15 × 15 × 15 = यहाँ पर 5 × 5 × h, ठीक है। तो 5 से गया 3 पर, 3 से गया 3, ठीक है, 5 से गया 3, तो सोल्व कर दीजिए, 4 3 12 12 15 180 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या बोला कि 45% राम की मनी को ऐड कर दिया 50% और सोहम की मनी, ठीक है। तो टोटल मनी जो बनेगी वो 86% हो जाएगी सोहम की, ठीक है। इसने बोला कि 45% ऑफ राम, तो परसेंटेज हटा रहा हूं मैं, क्योंकि परसेंटेज का नाम पर 100 हो गया, तो 100 दोनों तरफ से कट जाएंगे आपके, ऑफ राम, ठीक है, प्लस 50 ऑफ सोहम, ठीक है। आर एस कर लेता हूँ, क्योंकि 2% आपके आर एस = ये बोल दिया गया 86% ऑफ एस, ठीक है। तो एस को एक साइड ले जाओ, तो 45 r = 50 माइनस कर दोगे तो 36 एस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से कट करो 5, 9 से कट करो 4, तो रोहन के पास कितना, राम के पास 5 रुपए है, सोहन, सॉरी रेशियो निकालो ना यहाँ से आप, तो रोहन बटे सोहन कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो रोहन के पास 4 रुपए है, सोहन के पास 5 रुपए है, तो राम की मनी सोहम की कितनी परसेंटेज है, ये पूछा आपसे, ठीक है। सॉरी भाई, सोहम के पास कितनी है राम की मनी से, तो सोहम के पास कितनी, 5 है, राम की मनी 4 है, ठीक है। नीचे राम आ जाएगा, ऊपर सोहम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 25 हो गया, तो 125% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इसमें बोला कि प्रोडक्ट करना, गुना करने 5th प्राइम नंबर के, तो आप देखोगे 2 3 5 7
और 11, तो ये आपका फिफ्थ प्राइम नंबर। तो एक तो 11 आ गया इनटू में, और एक उस प्राइम नंबर की ऐड करनी है जो 100 से बड़ा। तो 100 से बड़ा कौन सा है? 101। तो 101 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 11 11 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक पर्सन जो है 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% पर सिंपल इंटरेस्ट से ले रहा है, उसने क्या किया? उन रुपए को तुरंत इमीडिएटली कर दिया दूसरे पर्सन को इतने में 2 साल के लिए। तो गेन ट्रांजेक्शन आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ का परसेंटेज निकाल रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8%। यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 25/2%। ठीक है, राइट, अगर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 25/2% मतलब 12.25, ये आएगा ना, 12.5 आएगा, सॉरी भाई 12.5। तो 12.5 माइनस 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इतना करना 4.5 की वैल्यू निकालनी है। तो 4.5% का नाम को नीचे 100 कर दो। ठीक है, या अगर बीच में से अगर ये आपको डेसिमल हटाओगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 45 बन जाएगा और नीचे 0 ऐड हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या है आपका, 5,000 रुपये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 225 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक देश में इतनी जनसंख्या है, बोला कि बर्थ और डेथ रेट इतना है 2 साल के लिए। तो एक चीज चेक करो कि एक बार मर गया और एक बार जो जन्म ले रहा और जो मर रहा है, तो उनके बीच का रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं, 13:9 का ये रेट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कौन जिन ज्यादा है। तो बर्थ आपका 13 है, डेथ आपकी कितनी है? 9 है। कितना ज्यादा है? 4। मतलब अभी 4 क्या है? बर्थ मतलब प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 4 प्लस हो रहे हैं 4%। ठीक है, आगे आपका आंसर, तो 4% प्लस हो रहे हैं, तो आप देखोगे तो 4% का फ्रैक्शन बनाइए कितना होता है, वो 1/25 होता है। ठीक है, तो 25 से कितना हो गया? 25 से आपका 26 हो गया। ठीक है, 25 से आपका 26 हो गया पहले साल, दूसरे साल भी सेम काम, 25 से आपका कितना हो गया? 26 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो दोनों के इधर से इधर, तो ये आपका 625 है, ये आपका 676 हो जाएगा। ठीक, अब 625 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1,7,18,75,00। अगर आप चेक करोगे अच्छे से तो ये सीधा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 625 × 3 तो 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर भी आप 300 से मल्टीप्लाई करिए, 00368, लास्ट में 8 आना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, ये आपका राइट आंसर। बाकी फुल मल्टीप्लाई आप खुद करके देखोगे। ठीक है, बोला कि डेस्टिनेशन कवर की कुछ इस 4 कंडीशन से, तो एवरेज स्पीड आपको पूछा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्पीड, टोटल कितना है? 550 किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। तो 550 प्लस 4,500 करो, 550 प्लस 4,500 5,050, 5,450, और 5,450 में ऐड कर दीजिए 55 को, 5,450 में 55 को ऐड करोगे तो 5, 5, 10, और ये आपका 5, 5। ठीक है, 5,505 रुपये आपका आ गया। ठीक है, बाकी अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, ओके। अब एवरेज स्पीड बोला कि इतना है, ये इतना है, इतना है, इतना है। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम बटे डिस्टेंस निकालते हैं। देखो ये स्पीड है, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। और अब टाइम निकालने के लिए यहां से हम हर एक का टाइम निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? फर्स्ट का टाइम, क्योंकि सभी का टाइम प्लस होगा ना, तो 550 प्लस 55, ये फर्स्ट का टाइम आ गया। दूसरे का टाइम 4,500/500, 4,500/500, ओके। तीसरे का टाइम 400/25, और चौथे का टाइम आपका 55/55/35। ठीक है, सॉल्व करिए, 5,505 ऊपर है, नीचे कितना आ जाएगा? ये 55 से आपका 10 हो गया, ये 500 से आपका ये सीधा 9 हो गया, ये 25 से आपका 416 हो गया, ये आपका 11/7 हो गया। ठीक है, तो 10, 9 और 16, 2,535 प्लस 11/7। ठीक है, एलसीएम लीजिए नीचे,
आपको कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 21 और 3 = 24 + 11, ऊपर 7 आ गया, ठीक है। 5505 × 7/(1) कितना हो गया, नीचे 256 हो गया, ऊपर से कुछ नहीं कट रहा तो लास्ट में 256 आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका 256 यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए, ठीक है। तो बोला कि वैल्यू ऑफ के बताना है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करो तो मैं 2 पुट करता हूँ, तो आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जब भी आप क्वेश्चन में बैठते हो तो सबसे पहले ऐसे ऐसे नंबर में सबसे पहले आपने समोल नंबर्स चेक करना है, तो यहाँ पर 2 सबसे समोल है, तो 2 पुट करिए, 2 हो गया, 200 के + 3, 2³ + 5, तो आगे से 2 है, यहाँ से 4 + 3 = 7 हो गया, 8 + 5 = 13 हो गया। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर शो कराना था हमने। इसने क्या बोला कि प्राइस ऑफ टी जो है 28% ऊपर चली गई, 28% का फ्रैक्शन बनाओ, 4 से कट करो, 7/25 हो गया, तो ओरिजिनल कितनी थी 25 है, न्यू कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, 25 + 7 हो गया, तो कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। अब प्राइस यहाँ तो क्या था, ये तो प्राइस था, अब कंजम्पशन देखना, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर आता है, और एक्सपेंडिचर इसने बोला कि रिमेन एंड चेंज, मतलब सेम रहना चाहिए, दोनों की तरफ से सेम रहना चाहिए, जितना यहाँ है इतना यहाँ है। तो हम क्या करेंगे इस तरह के कंडीशन में, कि जो ये हमने चेंज किया ना 25 और 33 को उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर 33 लिख दो, यहाँ पर 33 लिख दो, मतलब ओल्ड कंजप्शन मेरा 33 है, न्यू कंजप्शन मेरा 25 है, तो इतना हमने रिड्यूस किया है, कितना रिड्यूस किया, 7, 7 रिड्यूस किया है ओरिजिनल में से, सॉरी 32 होता ना 25 और 7, तो हाँ ठीक है 32 होगा, और गुना में 100, ये करना आपने 700/32, तो 32 × 64, 6 × 0 = 32 से कम 32, आई थिंक 0.9 समथिंग जाएगा, तो 21.9 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 22 के बराबर, क्योंकि जब आप 21.5 से ऊपर लिखते हैं तो सारा सारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21.4 लिखोगे ये सारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में, तो 21 था, लेकिन ये आपका आंसर गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बताना जिसकी साइड ये है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, एस निकालना है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, आज जो परिणाम का आधा हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड करिए 24 और 17, 24 और 17 कितना, सॉरी पहले 17 और 9 ऐड कर दीजिए, 17 और 9 आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 24 40, तो 40 का आधा कर दो, 2 कितना हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ भाई, सॉरी सॉरी भाई, ये 50 आ जाएगा, 50/2 तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करना है, एक बार 25 मल्टीप्लाई करना है, और एक बार 25 में से इसको माइनस करना है, 1 आ जाएगा, एक बार 25 में से इसको माइनस करना, 8 आ जाएगा, इसका 25 में से माइनस करना है, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जो बाहर निकाल सकते हो वो निकालो, तो 25 और स्क्वायर रूट भी लगेगा एरिया के लिए, 25 और 16 को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 आया, 16 से 4 आया, यहाँ पर क्या है, 4 × 2 है, तो 2 बाहर नहीं आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, √2, इसको सोल्व करिए, 5 × 20, 20 × 2 = 40, 40 √2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि मार्क प्राइस 75% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ओके, एमपी सीपी, सीपी अगर 100 है, एमपी 175 हो जाएगा, 75% ज्यादा, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया 40% का, 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब मिलेगा कितना, 60%, 60% के फ्रैक्शन निकालिए, 3/5, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से आपका ये 35 हो जाएगा, ओके 35 * 3 कितना होता है, 108 हो जाएगा, एसपी आपका 108 हो गया। बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना, देखना प्रॉफिट है ना, 8 रुपए का प्रॉफिट है 100 पर, तो 8% आपका राइट आंसर दे देगा, सॉरी 8 × 3 = 5, अरे 105 होता है सॉरी, तो 5% का प्रॉफिट, इस क्वेश्चन को मैं जरूर गलत कर दा जल्दबाजी में, ठीक है, बाकी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर बताना हमने, तो भाई बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर बताना, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, 2 3 ये प्राइम नंबर है, अगला कंपोजिट नंबर 4 है, 5 प्राइम नंबर है, अगला कंपोजिट नंबर 6 है,
सेवन प्राइम नंबर है, एट कंपोजिट नंबर है, और नाइन और टेन ये आपके फर्स्ट फाइव आ गए, तो इनको ऐड करिए, डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी उतना हो जाएगा। तो 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 17, 20 और 17 37 हो गया, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा 5 7 35, 4 7.4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 8.3 है, ठीक है, शेडो कितने 4.15 है, तो ये वर्टिकल पोल है 8.3 और इसकी शेडो जो है 4.15, ठीक है। अब बोला कि हाइट ऑफ ट्री निकाल लें जिसकी शेडो इतनी है, सिमिलर, ठीक है। और आप अब चेक करोगे, देखो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो अपने आप ट्राई कर लो, लेकिन मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया होगा। मैं सीधा क्या देखूंगा, ये क्या है, ये क्या है, डबल है, 4.515 का डबल है, तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 80, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई देखिए, बोला कि 150 जो है वो 525 रुपये में खरीद रहा है, मतलब यहाँ पर आपको सीपी गिवन है, कितना गिवन है, एक हम एक का निकालते हैं, हमें एक से मतलब है, हमें ज्यादा से मतलब नहीं, तो यहाँ 150 के रुपए हैं, तो हमें एक का निकालेंगे तो 525/150 हो जाएगा। अब SP क्या गिवन है, SP आपको 36 रुपये में पर डजन, मतलब 12 केले 36 रुपये में बेच रहा है, सॉरी जो भी गो आवाज, तो 36 एक कितना का हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 36 में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना, देखो कितना सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, तो चेक करते रहना। 12 7 3, SP 3 है, और ये आपका कितने पे कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटते हैं, 6 25 आपका, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 3 7 7/2, ठीक है। रेशियो इक्वल करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इधर से आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएगा, CP 7 है, SP मतलब 7 रुपये में चीज खरीदी और आपने 6 रुपये में बेची, तो क्या होगा, लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाले को तो वैसे ही हटा दो, ठीक है। कितने का, एक का, एक का लॉस है कितने पे, 7 पर, 1/7 कितना होता है, 14, सही, 2/7 होता है ये परसेंटेज, तो ये आपका राइट आंसर, या फिर आप 14.28% आप ला सकते हो, बाकी खुद सॉल्व करो मल्टीप्लाई शो करके। तो आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।